गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज हम देखने वाले हैं कि सर्कल का SMPS है, उसका हम अनबॉक्सिंग करके देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींच के सीधा स्टार्ट करते हैं सर्कल का SMPS, उसका अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्कल का कंप्लीट टेक्नोलॉजी या मॉडल नंबर आप देख रहे हैं CPH698V12 और उसका वैट है 400 का। ओके, और दोस्तों उसको सर्कल ने इसकी वारंटी दी है, 3 ईयर्स की वारंटी है। ओके, तो सर्कल का क्वालिटी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइफ टाइम सपोर्ट है आपको। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाके उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो, बाकी कंपनी का डिटेल्स है यहाँ पे, और ज़्यादा तो हम यहाँ बॉक्स पे कुछ देख नहीं पाएंगे। ओके, तो चलिए सीधा इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी लोगों के YouTube पे हुई इस पर, और वो बोलते हैं कि ये सर्कल का SMPS अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, अगर जो भी कोई इसको यूज़ कर रहा है तो उसको पता नहीं हो कि ये कैसा है। ओके, तो दोस्तों मैं उसको 6 साल से यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ओके, तो अगर आपके पास PC है और आपका SMPS चेंज करना हो तो अंडर 750 में ये आपको बेस्ट प्राइस पे मिल सकता है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से ये सर्कल का UPS बहुत ही अच्छा है और आपको इसको ज़रूर बाय करना चाहिए। तो देखते हैं अभी अंदर क्या मिलता है। वाह, तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि कंप्लीट टेक्नोलॉजी वारंटी कार्ड भी इसमें मिला है सर्कल का। ओके, ऊपर कुछ वायर्स है मदरबोर्ड को और फैन को लगाने के लिए, तो हॉलमार्क भी है यहाँ। और आगे देखेंगे तो ओके, तो इसमें हमें एक पावर केबल मिलती है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। ओके, और अंदर कुछ फिटिंग के लिए स्क्रू भी हमें मिल रहे हैं। ओके, तो ज़्यादा कुछ नहीं बॉक्स में, तो इसको साइड में रखते हैं और इसको भी कट करते हैं। का वेट भी बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये SMPS अच्छा नहीं है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये SMPS बहुत ही अच्छा है और मैं इसको पहले से यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी उसको 6 ईयर होने के बाद वो अभी ख़राब हो गया, तो मैंने सोचा कि उसको बाय करते हैं। तो कल ही मैंने उसको परचेज़ किया है दोस्तों। अब यहाँ मॉडल नंबर आप सब डिटेल्स वहाँ यहाँ देख सकते हैं। ओके, DC आउटपुट, केबल, कनेक्टर, जो भी है इसका यहाँ डिटेल देख रहे हैं। इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, ये रेसिंग के लिए जगह है, ये पावर सप्लाई यहाँ कनेक्ट करने के लिए हमें जगह है। ओके, इसका फैन भी देखो दोस्तों, बाकी ज़्यादा तो कुछ नहीं, ये वायर्स ये भी अच्छे हैं। यहाँ दोस्तों आप
वारंटी कार्ड देख सकते हो। वारंटी कार्ड पे आपका नाम, कस्टमर नेम, एड्रेस लैंडमार्क पे आपको और आपका मोबाइल नंबर लिखना है, डेट ऑफ परचेस लिखना है, किस डेट पे आपको आपने ये मॉडल परचेस किया है, और सब डिटेल भरने के बाद ये आपके पास रखना है ताकि आपको कोई आगे प्रॉब्लम आए तो आप इस वारंटी कार्ड से कंपनी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ आप दोस्तों देख रहे हैं कि ये मदरबोर्ड के लिए वायर है। ओके, ये जाएगी हमारे साटा हार्ड डिस्क के लिए। यहाँ आप देख रहे हैं उसका नाम। ओके, ये हार्ड डिस्क के लिए जाएगी। दिन बाय ये फैन को जाएगी। इस तरह आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जस्ट लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि ऐसी भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और आगे अगर आपको इस ये प्रोडक्ट आपको परचेस करने के लिए कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। आपको जो भी परेशानी होगी मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि ये SMPS PC में हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करने के बाद हमारा PC चालू होकर कैसे दिखता है। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आगे वीडियो में। अभी तक के लिए बाय बाय।